गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक एनवायरमेंटल बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज जियोस्फीयर। ओके, टॉपिक हमारा क्या है, जियोस्फीयर है। इसको जो है जिराफ भी कहते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने इसका बताया था आप लोगों को। जियोस्फीयर इस प्रकार का पारिस्थितिकी अनुक्रमण जो कि शुष्क परिस्थितियों के अंदर कंप्लीट होता है, दैट इज सक्सेशन इन ड्राई कंडीशन, उसको हम क्या कहते हैं, जियोस्फीयर कहते हैं। ओके, सक्सेशन अगर इन ड्राई कंडीशन इज कॉल्ड द जियोस्फीयर। ओके, देखिये जियोस्फीयर जो है वो बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हम कहते हैं इसको लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड सेमोस्फीयर। ओके, देखिए ड्राई कंडीशंस दोनों जगह जो है ड्राई कंडीशंस ही उपस्थित है। लिथोस्फीयर के यदि बच्चों हम बात करें तो इस प्रकार का सक्सेशन जो होता है वो अधिकतर जो हमारी रॉक्स होती है, जो बिल्कुल नेकेड जो है हमारी रॉक्स है वहां पर स्टार्ट होता है। ओके, इस प्रकार की रॉक्स जहाँ पे अभी तक किसी प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, जल नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी, तो इस प्रकार का जो बिल्कुल हमारी नेकेड जो नग्न चट्टाने हैं, यदि उस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर उस प्रकार के हैबिटेट के अंदर सक्सेशन होगा दैट इज लिथोस्फीयर। एंड सेमोस्फीयर जो हमारी जो बिल्कुल सैंड पार्टिकल्स हैं, जो ड्राई सैंडी एरिया लाइक सैंड ड्यून्स। ओके, यहाँ पे भी आप लोगों को पता है बिल्कुल आवास किस प्रकार का रहता है, शुष्क आवास होता है, ड्राई कंडीशंस होती है, तो इस प्रकार के आवास के अंदर उत्पन्न होने वाला जो हमारा सक्सेशन है वो कहलाता है सेमोस्फीयर। ओके, बेसिकली आज जो हम बात कर रहे हैं बच्चों वो बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर की, और लिथोस्फीयर के अंदर जो है सक्सेसिव चेंजेस टेक प्लेस इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोनों ही प्रकार जो है वहां के पादप और एनिमल्स के जो हमारे पाए जाते हैं, इस प्रकार से जो है ये न्यूट्रेशन स्टेज से होता हुआ क्लाइमेट स्टेज के अंदर जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वहां पे सरवाइव करते हैं, क्लाइमेट स्टेज तक जिस प्रकार से वो हमारा सक्सेशन कंप्लीट होता है, ये पूरा जो सक्सेशन है वो जियोस्फीयर कहलाता है, जो कुछ स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है, के द्वारा कंप्लीट होता है, जो उसकी फर्स्ट स्टेज है बच्चों दैट इज नॉन एज द क्रस्टोस लाइकेन स्टेज। ओके, दैट इज क्रस्टोस लाइकेन स्टेज। देखिए हमारा जो अभी हम बात कर रहे हैं हमारी बिल्कुल नेकेड जो हमारा रॉक्स है चट्टाने हैं उनकी, तो वहां पे क्या होता है, लाइफ अभी फॉर्म नहीं हुई है, जीवन अभी शुरू नहीं हुआ है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अभी वाटर या हम कहें न्यूट्रिटिव जो मटेरियल्स हैं उनकी बहुत कमी होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इस प्रकार से क्या होता है एडवर्स कंडीशन होती है। तो ऐसी एडवर्स कंडीशंस के अंदर सबसे पहले यहाँ पर क्रस्टोस लाइकेन जो है वो डेवलप होती है। ये क्रस्टोस लाइकेन एक प्रकार से यहाँ पे क्या होती है, इनकी पायोनियर स्पीशीज होती है। ओके, देखिए ये जो पायोनियर स्पीशीज है, हम बात करें पायोनियर स्पीशीज की, तो ये इस एरियाज के अंदर जो होता है अधिकांश से जो रेनी सीजन होता है बच्चों उस टाइम पर यहाँ पे आके इनके सीड्स स्पोर जो है वो जर्मिनेट होते हैं और ये पादप यहाँ पे आके पनप जाते हैं। ओके, क्रस्टोस लाइकेन स्टेज की यदि हम बात करें तो इसके अंदर राइजोकार्पोन, राइनोडीना, लेकानोरा, ओके, लेसीडिया, ये स्पीशीज जो होती है वो कॉमन पायोनियर स्पीशीज होती है। लेसीडिया ये स्पीशीज यहाँ की पायोनियर स्पीशीज होती है, जो पर्टिकुलर आवास के अंदर नेकेड जो हमारे रॉक्स है वहां पे रेनी सीजन के दौरान आके जो है वो वृद्धि करती हैं। ओके, ये जो स्पीशीज होती है बच्चों ये अपनी म्यूसिलेज सेल वॉल के द्वारा जो नेकेड रॉक्स होती है उनसे चिपक जाती है, और ये स्पीशीज एक प्रकार का एसिड सिक्रेट करती है। ओके, एसिड प्रोड्यूस करती है, और ये एसिड क्या करता है, ये एसिड जो हमारी चट्टाने हैं उनकी वेदरिंग का कार्य, इन एसिड्स के द्वारा क्या होता है चट्टानों का क्षरण होता है, और ये चट्टानों के क्षरण के द्वारा छोटे छोटे कणों के अंदर जो चट्टाने होती हैं वो जो है टूट के छोटे छोटे कण जो है वो इसके अंदर मिलते जाते हैं। ओके, ओके, अब क्या होता है, ये जो हमारे क्रस्टोस लाइकेन स्टेज है
आफ्टर द डेथ ऑफ दिस लाइकेस और जो एल्गी फॉर सर्वाइव कर रही है, इनका डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स वेदरिंग ऑफ रॉक्स के द्वारा क्या हो गया, स्मॉल हमारे जो है रॉक्स के पार्टिकल्स बने हैं, इनके साथ मिक्स होके उस पर्टिकुलर नेकेट जो हमारी रॉक है वहां पर एक सॉयल की थिन लेयर जो है वो फॉर्म करता है। अब ये थिन लेयर जो होती है वो अगली स्टेज की जो हमारे प्लांट्स है उनके सर्वाइवल के लिए एक प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां वहां पे बनाती है। ओके, सेकेंड जो स्टेज है हमारे बच्चों दैट इज फॉलिएज लाइकेन स्टेज। अब जो हमारा आवास है वो किसके अनुकूल हो गया, दिस हैबिटेट इज नाउ सुटेबल फॉर फॉलिएज लाइकेन्स। ओके, देखिए फॉलिएज लाइकेन्स जो होती है इनके अंदर जो इनका जो थेलस होता है ना बच्चों वो किस प्रकार का होता है, ब्रॉड लीफ लाइक इनका थेलस पाया जाता है एंड दे आर अटैच्ड एट वन पॉइंट। एग्जांपल्स की यदि हम बात करें फॉलिएज लाइकेन के अंदर तो यहाँ पे जो फॉलिएज लाइकेन्स के अंदर जो है अम्बिलिकेरिया, पनमेलिया, डर्मेटिकार्पो, ओके अम्बिलिकेरिया, ये कुछ प्रजातियां जो है वो फॉलिएज लाइकेन की वो यहाँ पर आके सर्वाइव करना शुरू कर देती हैं। लेकिन अब क्या होता है क्योंकि ब्रॉड लीफ इनके इनके थेलस होते हैं तो ये थेलस जो है वो पूरी जो हमारी जो क्रस्टोज लाइकेन्स है उनको ऊपर से ढक लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो क्रस्टोज लाइकेन है वो यहाँ पे वृद्धि नहीं कर पाते और फॉलिएज लाइकेन के द्वारा रिप्लेस्ड कर दिए जाते हैं। ये जो फॉलिएज लाइकेन होते हैं बच्चों ये फॉलिएज लाइकेन जो है वो नमी सोखते हैं, काफी नमी सोखते हैं और इनके अंदर सॉइल को डिपॉजिट करने की स्टोरेज करने का इनके अंदर जो है वो एक प्रकार की कैपेबिलिटी होती है। ओके, अब आफ्टर द डेथ ऑफ दिस फॉलिएज लाइकेन अब और सॉइल पार्टिकल्स मिट्टी के कणों के संग्रहण के कारण क्या होता है, अब और अधिक ऑर्गेनिक पदार्थ युक्त एक लेयर जो है उस रॉक के ऊपर बन जाती है जो कि अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज है उसके लिए अनुकूलित हो जाती है। और वो थर्ड स्टेज हमारी कौन सी है बच्चों, दैट इज द मॉस स्टेज। ओके, अब क्या हुआ है ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर युक्त वहां पे सॉइल बन गई है और जो है वो वहां पे मिट्टी के छोटे छोटे जो कण हैं, जो छोटे छोटे रॉक के टुकड़े हैं, मिट्टी के कण हैं, उनके डिपोजिशन के कारण अब क्या होता है वहां का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है। अब इन एनवायरनमेंट के साथ साथ वहां पे क्या होता है जो फॉलिएज लाइकेन के साथ साथ मॉसेस जो हमारे जीरो फिटिंग मॉसेस जो होती हैं वो वहां पे सर्वाइव करना शुरू करती हैं, लाइक ग्रीनिया बात करें हम इसकी, टॉर्टुला, ओके एंड पॉलीट्राइकम, ब्रियोन, बार्ब्यूला एंड फ्यूनेरिया, ये कुछ हमारी मॉसेस हैं पर्टिकुलर जीरो फिटिंग मॉसेस जो कि उस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करना शुरू कर देती हैं। ओके, एंड द मॉसेस कम्पीट विद लाइकेन्स फॉर वाटर। देखिए यहाँ पे भी फॉलिएज लाइकेन जो है वो उपस्थित है लेकिन दोनों में क्या होता है जो हमारे रिसोर्सेज है वाटर के लिए और न्यूट्रिशियस जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनके लिए कंपटीशन हो रहा है। ओके, दोनों में नमी सोखने का गुण होता है, स्टोरेज करने का जो है इनके अंदर गुण होता है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है दे पेनिट्रेट मच डीपर इन द सॉइल एज कंपेयर टू द लाइकेन्स। ओके, ये लाइकेन्स की अपेक्षा जो हमारा जो सॉइल का लेयर बन गया है उस रॉक के ऊपर वहां पे ज्यादा जो है वो गहराई तक पेनिट्रेट करती है अपनी जड़ों को और जिसकी वजह से क्या होता है लाइकेन्स जो है हमारी से पहले वाली जो अवस्था है वो यहाँ पे डेड हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जो इन मॉसेस के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। ओके, ये मॉसेस क्या करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को चारों तरफ पूरा अच्छी तरह से घेर कर कुछ इंच जो है एक गद्दीदार एक तरह का लेयर जो है उस रॉक के ऊपर बना देते हैं और इनके डेथ से डेड ऑर्गेनिक मैटर और इन सड़ी गली पत्तियों से क्या होता है सॉइल के अंदर ह्यूमस की मात्रा बढ़ती जाती है एंड मिनरल्स कंबाइन विद दिस ह्यूमस, इस ह्यूमस के साथ में जो मिनरल्स जो उस पर्टिकुलर आवास के अंदर उपस्थित हैं वो मिक्स होते जाते हैं। अब ये जो एनवायरनमेंट अब बनता है ये एनवायरनमेंट अब अगली स्टेज के लिए फेवरेबल हो जाता है।
ओके अब अगली स्टेज जो हमारी मॉसिस स्टेज के बाद में दैट इज हर्बेशियस प्लांट स्टेज। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक डेब्रीज है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस है, ये सब जो है अधिक मात्रा के अंदर यहाँ पे जो है वो उपस्थित हो जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, अब चूंकि यहाँ पे अभी जो है वो मॉइस्चर उपस्थित है, तो मॉइस्चर जो है वो सोखने की क्षमता वाले कई जीरोफिटिक जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स यहाँ पर आके जर्मिनेट करते हैं और विकसित होना शुरू कर देते हैं। शुरुआत के अंदर बच्चों क्या होता है, जो हर्बेशियस स्टेज के जो प्लांट्स होते हैं शुरुआत के अंदर जो वार्षिक प्लांट्स होते हैं जो एक वर्ष में अपना जीवन साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं वो इस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर ग्रो करते हैं। ओके इनके ग्रो करने के बाद फॉर एग्जांपल हम बात करें तो एरिस्टिडा, फेस्टुका, पोवा, ये कुछ जो है वो इन्वेडर्स हैं जो फर्स्ट यहाँ पर आके जो है सर्वाइव करते हैं। इनके मृत्यु होने के बाद चट्टानों के और चट्टाने क्या है इसके अंदर जो है वो रॉक इरोजन जो है थ्रू द एनवायरमेंट भी होता रहता है। तो इस प्रकार के रॉक इरोजन के कारण क्या होता है, अब उस सॉइल के अंदर ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे। अब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या होता है, द्विवार्षिक, पॉलीएनुअल, बहुवार्षिक प्लांट्स जो है वो सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं, विकसित हो जाते हैं। और अब ये हर्बेशियस प्लांट्स यहाँ पे जो है विकसित हो गए, इनकी वृद्धि के कारण अब क्या होता है, ये पर्टिकुलर एरिया अब मॉसेस और जो रिमेनिंग लाइकेंस है उनकी वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होता। इस वजह से ये मॉसेस और लाइकेंस जो होती है वो हमारे हर्बेशियस प्लांट्स के द्वारा रिप्लेस्ड कर दी जाती है। ओके इनके रिप्लेसमेंट के बाद में क्या हो रहा है, और बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर एनिमल एस्टैब्लिश देयर, सम जियोफाइटिक ग्रासेस आल्सो एस्टैब्लिश देयर। हर्बेशियस प्लांट स्टेज में ही यहाँ पे हमारी कुछ जियोफाइटिक जो घास की प्रजातियां हैं वो भी यहाँ पर आके एस्टैब्लिश हो जाती हैं। ओके आफ्टर द डेथ ऑफ दिस हर्बेशियस प्लांट्स, इनके मृत्यु के बाद के अंदर अब क्या होता है, हमारी चट्टानों पर और अधिक सॉइल डिपोजिशन हो जाता है, और ये जो सॉइल डिपोजिशन है अब यहाँ पे जो झाड़ी पादप होते हैं बच्चों उनके उनको सपोर्ट देने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए अनुकूलताएं प्रदान करता है। ओके इस वजह से अब यहाँ पे श्रबी प्लांट्स जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। स्पीशीज हम देखें, स्पीशीज ऑफ रूज, फाइटोकार्प्स, जीजीफर्स एंड कैपेडिस डोमिनेट्स दिस स्टेजेस। ओके इस स्टेज के जो मुख्य जो झाड़ी पादप होते हैं लाइक जीजीफर्स, यहाँ का मुख्य झाड़ी पादप यहाँ पे जो उगता है जीजीफर्स है, कैपेडिस है, जाइगोफिलम है, वो इस स्टेज के दौरान यहाँ पे विकसित होते हैं। एंड दे कास्ट शेडो ऑन हर्ब्स सो द हर्ब्स डाई। ये जो झाड़ी पादप है अब वो क्या करते हैं, एक प्रकार की झाड़ जो है वो शेडो या हम कहें कि उनको ढक लेते हैं जो हमारी हर्बेशियस प्लांट्स को, जिसकी वजह से हर्बेशियस प्लांट जो हमारे हर्ब्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। एंड दस द हर्बेशियस प्लांट्स एड मोर ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल के अंदर ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। ओके द रूट्स ऑफ द श्रब्स पेनिट्रेट इनटू सॉइल। ओके देखिए जो रूट्स होती हैं हमारी जो झाड़ी पादप्स की ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करती है रॉकी सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से वेदरिंग ऑफ सॉइल कंटिन्यूस होती रहती है। ओके एंड जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल का जो फॉर्मेशन है बच्चों वो लगातार उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो बढ़ता जाता है। सॉइल का फॉर्मेशन बढ़ रहा है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स के द्वारा मिट्टी संग्रहित होती जा रही है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले पादप, इन सब के द्वारा डेब्रिस जो है इनकी वो वहाँ पे स्टोरेज होती जा रही है, बैक्टीरिया फंजाई वहाँ पे जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनके डिकम्पोजिशन के द्वारा जो है वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसी कंडीशंस के अंदर अब वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो परिस्थितियाँ जो होती हैं वो हमारे जो नेक्स्ट स्टेज है, जो हमारे बड़े जो ट्रीज होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनके पनपने के लिए अनुकूलित हो जाती हैं। ओके इस प्रकार के आप पर्टिकुलर आवास के अंदर सबसे पहले जो है
क्योंकि सोयल जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे रिच हो जाती है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमस। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर सबसे पहले द सोयल अलाउज द ग्रोथ एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वूडी प्लांट्स। यहाँ पे जो हमारे वूडी प्लांट्स होते हैं वो सबसे पहले उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सर्वाइव करते हैं। ओके, एंड दीज प्लांट्स आर डेंसली रूटेड। ये जो है घने जड़ी तंत्र के द्वारा उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर जो है वो अपने आप को विकसित कर लेते हैं। इनकी जड़ें जो है गहराई तक, नीचे गहराई तक वुडी प्लांट्स की जाके वहां पे जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। अब ये जो दूसरे जो प्लांट्स होते हैं, इन जो प्लांट्स जो हमारे वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं उनकी छाया इनिबिट करती है किसको, जो अन्य जो हमारे झाड़ी पादप थे उनके ग्रोथ को जो है इनिबिट करती है। एंड इस स्टेज के अंदर जो मेन जो हमारा जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज डोमिनेट होती है, जो वुडी प्लांट्स की स्टेज डोमिनेट होती है। ओके, एंड दिस स्टेज एसेंशियली रिमेन्स द सेम इफ नथिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू अपसेट द बैलेंस। ओके, अब क्या हो रहा है, हमारा जो जो फॉरेस्ट स्टेज है वो इसकी बिल्कुल चरम अवस्था वाला स्टेज होता है। इस स्टेज के अंदर उपस्थित जो वूडी प्लांट्स होते हैं वो हमारे जो झाड़ी पादप, जो हमारे श्रब स्टेसी, उनके पादपों को रिप्लेस कर देते हैं। ओके, अब ये प्रकार में एक स्टेबल जो है कम्युनिटी वहां पे बन जाती है इन प्लांट्स की, जो कि यदि उस एनवायरमेंट के अंदर कोई बड़े चेंजेस नहीं होते तो ये वेल एस्टेब्लिश सेल्फ मेंटेनिंग जो है वो हमारा स्टेज वहां पे बन जाता है, जो कि उस सक्सेशन की क्लाइमेक्स अवस्था को शो करता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि दस द वूडी फॉरेस्ट इज द क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। वूडी फॉरेस्ट इज द क्लाइमेक्स स्टेज फॉर दिस रीजन। हमारा जो हम लिथोसियर जो पढ़ा है उसके अंदर एक नग्न चट्टान जहाँ पे लाइफ की शुरुआत नहीं हुई है, उस एरिया में हमारा जो क्रस्टोज लाइक स्टेज, जो जहां से यहाँ जीवन की शुरुआत होती है, यहाँ से जो हमारा वूडी ट्री डेवलप हुआ है, ये पर्टिकुलर जो हमारा स्टेज है, ये स्टेज जो है उस एरिया या उस हैबिटेट की क्लाइमेक्स स्टेज को शो करता है। ओके, और ये क्लाइमेक्स स्टेज पर्टिकुलरली किसके द्वारा कंट्रोल होती है, उस आवास स्थल के आवास स्थल जो है हमारा उसके क्लाइमेट के द्वारा कंट्रोल होती है। ओके, तो ये आज हमने हमारा जो जीरो सीयर है वो कंप्लीट किया है।